बैटमैन और जोकर मूवी की पूरी याद आ जाएगी। ग्लो करता है, इसको पहले लाइट देनी पड़ती है टॉर्च की, उसके जो भाई अंधेरे में कितनी ज्यादा। और एक बार इसको बजा के ना साउंड सुनते हैं ताकि इसकी स्पीड बहुत तेज होती जाए कुछ इस तरह से। भाई साहब यार प्लास्टिक वाले, और ये देखो ओहो क्या आवाज थी लोड करने की, ओ माय गॉड। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप लोगों को दोबारा से बहुत वेलकम है आज के स्लेटर काफी ज्यादा ताबड़तोड़ अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ टॉयज में, जिसमें होने वाली है भाई एक स्टीयरिंग व्हील वाली वाटर गेम से लेकर के यूनिकॉर्न के ज्योमेट्री पाउच से लेकर के एक फ्लाइंग वाला भाई डोरेमोन का ड्रोन, और एंड में नहीं बल्कि बीच में ही दे दिया जाएगा 15 लोगों को शॉर्ट आउट, जिनमें से किसी एक को नहीं दो को नहीं बल्कि 3 लोगों को मिलने वाले डायनासोर की तरफ से आने वाली एक बबल गन, जिसके अंदर भाई सिक्के रख के भी आप मार सकते हो, और यहाँ पर भी ना एक लेजर लाइट से निकलती है और यहाँ से इसके बुलबुले निकलते हैं, इसी के अंदर आपको सारे सॉल्यूशन वगैरह भी देखने के लिए मिलते हैं। तो जिसको भी एक गन मिलने वाली है उनकी काफी ज्यादा मजे होने वाली है। और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल तो चैनल के सब्सक्राइब बाजू में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने जितनी मार लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो भाई देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम देखने वाले हमारे भाई सबसे पहले आने वाली दुबई की एक फरारी एंजो कार, जो की पुलिस वाले चलाते हैं दुबई के अंदर। इसके ऊपर आप देख सकते हो भाई यहाँ पर जो सायरन लगे हुए हैं रेड और ब्लू कलर का, साथ ही में यहाँ पर मिरर की जो डिटेल है ये भी काफी गजब है। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, लेकिन एक्चुअल में ये इसका शीशा जो खुलेगा, ये अभी नहीं खुल रहा। ये देखो इस तरीके से जो है ना ये गेट इस तरीके से बाहर आएगा, और इसके जो टायर है ये बहुत गजब के होने वाले, क्योंकि इसके अंदर एलईडी लाइट चलती है, वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से चलती है। आगे से लेकर पीछे तक हर जगह इन्होंने प्रिंट कर रखा है। प्लस में इसकी जो सबसे खास बात होने वाली है कि ये एक असली मॉडल के ऊपर बेस है, जिसके नीचे आपको जो है ना 360 डिग्री वाला एक व्हील भी मिलता है देखने के लिए। और ये क्या है, ये अभी चलो हमें बाद में पता चलेगा ये क्या है। इसके अंदर हमारे भाई कुछ बैटरीज लगेंगी, जैसे कि 3AA बैटरी कुछ इस तरह से, और उसके बाद यहीं पर आपको एक ऑन ऑफ का बटन देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद इस गाड़ी के अंदर भाई लाइट भी जल रही है। भाई 3D लाइट नहीं है, इसके अंदर 5D लाइट जल रही है और डीजे वाली। भाई साहब इसका तो भाई बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा, तो भाई इसके जो सस्ते मजे नहीं लेने वाले, तो आ जाओ मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। ये आ गई है हमारी दुबई की पुलिस, ये देखो भाई साहब क्या लग रही है हमारी फरारी वाली पुलिस की कार। ओ माय गॉड यार, ओ भाई साहब स्पीड लिखा हुआ है, ओ हाँ पीछे से क्या लग रही है, ये देखो चाहती हुई कितनी प्यारी लग रही है। अंदर भी भाई साहब लाइट भी जल रही है इसके अंदर, यानी कि भाई पार्टी कर सकते हो। डीजे राजे ये देखो भाई साहब स्टंट शुरू हो गए, दरवाजे खोल दिए हमारी पुलिस ने। अरे क्या बात है भाई साहब, ये देखो भाई लाइट नीली वाली लाइट देखो यार, क्या हरी वाली भी भाई साहब तंग नहीं लग रही है। ओ भाई साहब स्टंट यार, पूरे 360 डिग्री को घूम लेना, क्या लग रही है यार, कतई जहर भाई साहब कतई दवा यार, क्या लग रही है गाड़ी, मजा आ गया। ओ भाई साहब ये अंदर में भाई नीली लाइट और लाल लाइट अभी लाइट इसके ऊपर से स्टंट कतई गजब भाई, रे बवाल यार, कमाल हो गया भाई साहब, बवाल है, क्या बात है यार, ओ माइंड ब्लोइंग यार। भाई ये जो इसके गेट है ना ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाती हैं, और जो ये वाला व्हील देख रहे हो ये देखो कैसे घूम रहा है, अभी इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन भाई जो इसके जो डोर खुलते हैं ना इतनी प्यारी लगती है, ज़ूम मतलब ये आपकी तरफ आते हैं फरारी, और इसका जो म्यूजिक है भाई वो भी बहुत सॉलिड है, और जो इसके अंदर जो लाइट जलती है वो तो सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ लगती है जब वो लाइट जलती है, किसी में ग्रीन किसी में येलो किसी के अंदर रेड और भाई किसी के अंदर ब्लू लाइट्स, तो काफी तगड़ी जलती है। और भाई ये वाला तो मुझे पता ही नहीं था इस व्हील के बारे में, तो यार ये गाड़ी ना इसके ऊपर चल रही थी, जब ये 360 डिग्री ऐसे घूमती है ना इसको लगता है टक्कर खाने वाले जो सेंसर की वजह से ये पीछे को घूम जाती है, तो ये क्या करती है कि ना इसके नीचे से जो हमने ये देखा था ना भाई ये खुल के नीचे आता और इसके ऊपर खड़े होकर पूरी 360 डिग्री गोल गोल घूम, भाई ये स्टंट दिखा रही थी, और साथ ही में ये वाले पहिए के दम पे ये ऊपर की तरफ उठ जाती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा था कि ऊपर उठ के ये डांस कर रही है, लेकिन भाई ये इस वाले एंगल की वजह से और टायर की वजह से और ये वाले टायर की वजह से, तो जल्दी से इसके एक बार टायर गिनते, तो दो ये रे 4, 1 ये 5 और 1 ये 6, यानी कि इसके अंदर टोटल 6 टायर लगे हुए हैं। अगर आपको भी इस तरीके की फरारी बाइक कार पसंद है पुलिस वाली, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाओ लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है पुलिस वाली फरारी कार, ताकि ये वाली भाई दुबई की पुलिस कार आपको गिव अवे हो सके, जिसके टायर के अंदर भी एलईडी लाइट जल रही थी। भाई मैंने तो पहली बार देखा है कि किसी में टायर में एलईडी लाइट जले, और ये भाई देखो कांच लगा हुआ है छोटा सा जो बहुत ही ज्यादा आर पार दिखता है, तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले भाई हमने अपने हाथ में एक और 5D लाइट जलने वाली गाड़ी, इसके अंदर तो भाई टायर तक में जल रही थी, लेकिन इसकी जो सनरूफ वगैरह ना ये जो गाड़ी है इसके अंदर भी भाई एलईडी लाइट जलती है, और इसका रिमोट कंट्रोल हटाओ और इसको देखो यार, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी शोरूम के अंदर ये नई की नई गाड़ी खड़ी है। भाई ये लंबोर्गिनी की उरस कार है जो काफी ज्यादा तगड़ी है, ये आप लोगों ने भाई कार्तिक आर्यन वगैरह के पास रणवीर सिंह के पास भी देखी होगी। फटाफट से इसको ओपन करते हैं, तो सबसे पहले इसके रिमोट कंट्रोल में भाई 2AA बैटरी डालेंगे, और उसके बाद भाई कुछ बैटरीज जो है हम इस गाड़ी के अंदर डालने वाले 3AA बैटरी,
और उसके बाद यहाँ से इसको ऑन कर देंगे और आपको इसके अंदर की एलईडी लाइट्स वगैरह अच्छे तरीके से दिख रही होंगी। तो भाई इसके अंदर भी 3D नहीं बल्कि 5D लाइट्स लगी हुई है, रेड ग्रीन पर्पल तीन अलग अलग कलर के अंदर इसके अंदर लाइट आने वाली है। तो भाई देखने वाले हैं इसकी भाई स्पीड वगैरह भी, और इसके पीछे का जो शीशा यार ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। ये देखो भाई इन बटनों से गाड़ी चलने वाली है और इस वाले से भाई ये रिवर्स में जाने वाली है, और ये पता 360 डिग्री भी घूम के दिखाएगी। तो भाई आ जाओ मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। ये आ चुकी हमारी ब्रांड न्यू पाइसर 3D लाइट्स में जगमगाने वाली लैम्बोर्गिनी कार, और ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। भाई से हमारा हीरो ड्राइव कर रहा है, देखो भाई आगे जा रही है पीछे जा रही है, दवाएं वाएं मतलब जैसे मर्जी चल लेती है, और इतनी खूबसूरत है ना कि अंधेरे में जब आप अपने कमरे की लाइट्स बंद करोगे उसके बाद ओए होए डीजे राज विच्चिक विच्चिक भाई पार्टी चल रही है, अंदर लड़के पार्टी कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया गाड़ी है। भाई साहब सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, और ये बड़ी कमाल वाली वाह वाली गाड़ी निकली यार, मतलब कि इस गाड़ी ने धुआं उठा दिया भाई, मतलब इतनी बढ़िया जा रही थी, और ये 360 डिग्री जो गोल गोल घूमती है ओए ओए सोने में सुहागा। भाई इसके यहाँ से जो आप स्पेस देख रहे हो ना, इसकी वजह से इसको हवा कटने की वजह से भाई बहुत जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से इसके टायर वगैरह बहुत ही आराम से घूम जाते हैं, और ये काफी तगड़े गोले की तरह जूम जूम इस तरीके से गाड़ी जाती है, और अपने आप में भाई ये एक सुपर कार लगती है, और वो लगेगी भी क्यूरीफाई है लैम्बोर्गिनी जो है। और आपको भी इस तरीके की भाई डीजे लाइट्स वाली गाड़ियां पसंद है जिसके देखने के बाद आपका मन करता है बिचिक बिचिक डांस करने का, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है 5D लाइट वाली लैम्बोर्गिनी कार, ताकि ये वाली लैम्बोर्गिनी आपको गिव अवे हो सके। अब इसके बाद भाई बारी आने वाले हमारे रणबीर कपूर वाले रॉकस्टार गिटार की। तो ये आ चुका है हमारे हाथ में भाई रॉक बैंड की तरफ से आने वाला स्ट्रिंग गिटार, और ये एक म्यूजिकल गिटार है जहां पर आपको दो बटन देखने के लिए मिलते हैं, यहां पे स्पीकर भी मिलता है जहां से इसका साउंड आएगा जो कुछ इस तरीके से बजता है। तो इसके अंदर आपकी कुछ बैटरीज लगने वाली है, और यहाँ से इसको आप जैसे ऑन कर दोगे तो उसके बाद इसके अंदर लाइटें जलनी शुरू हो जाती हैं, जो भाई अंधेरे में कितनी ज्यादा बवाल लगती है आप देख रहे हो, मतलब कि इसके अंदर आपको पिंक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, सारे कलर देखने के लिए मिलते हैं। और एक बार इसको बजा के ना साउंड सुनते हैं, सच में बहुत ही ज्यादा गंदा बजाता है, मुझे नहीं आता बजाना। और यहाँ से जो है ना आप स्ट्रिंग को भाई टाइट भी कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे नक्के दे रखे इसको टाइट करने के लिए, और अगर इन बटन को दबाओगे तो इसके अंदर ऑटोमेटिक म्यूजिक बजता है, जैसे कि बेबी शार्क डू 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 बजने लग जाता है, वो भी गिटार वाले उस पे। तो भाई इस तरीके की अगर आपको भी रॉक स्टार वाले गिटार बहुत ज्यादा पसंद है जिसको आप अंधेरे में बजा सकते हो, और ये अंधेरे में ना भाई दिखते हुए बहुत ही ज्यादा गजब। तो अगर आपको इस तरीके की गिटार बहुत ही ज्यादा पसंद है और आपको मेरे से अच्छा बजाना आता है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है रॉक स्टार वाला गिटार, ताकि ये वाला लाइटिंग गिटार आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये आ गया हमारे हाथ में भाई बारबी गर्ल वाला एक इरेजर सेट, और ये एक फैंसी इरेजर है जो काफी ज्यादा तगड़ी लगती है, लेकिन तगड़ी तो भाई इनकी लाइटिंग भी लग रही है जो बहुत अच्छी लग रही है। तो इसको हम फटाफट से खोलने वाले हैं, जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि बारबी छपी हुई है, साथ ही में भाई इसको भी ओपन करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो यहाँ पर हमें जो है फैशन गर्ल की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है इसके अंदर, ये इस पे मेरी नजर बहुत अच्छी जा रही है, ये देख रहे हो ये लव वाली एक इरेजर है जिससे आप अपनी स्पेलिंग वगैरह मिटा सकते हो, और इसके अंदर एक भाई बारबी का कॉम देखने के लिए मिलता है, ये देखो यहाँ पर बारबी भी लिखा हुआ, ये भी एक इरेजर है जिससे आप अपने बाल कॉम कर सकते हो, और ये है एक रिंग, यानी इसको आप अपने फिंगर में पहन के बड़े आराम से कुछ भी इरेज कर सकते हो। और अभी तो रुको क्लाइमेक्स बाकी है, और ये है एक भाई बारबी की बहुत प्यारी हैट, अगर आपको कहीं घूमने जाना तो इसको आराम से पहन सकते हो, वैसे ये मेरे को ना केक की तरह भी लग रहा है ना। और जब इतनी फैंसी इरेजर की बात हो रही है तो हमारी बारबी की लिपस्टिक वाली इरेजर कैसे पीछे रह सकती है, इससे भी भाई आप कुछ भी इरेज कर सकते हो। ये पूरा का पूरा सेट है भाई बारबी का, ये देख रहे हो मतलब एक बो टाई भी बनी हुई है जिसका ये भी हिस्सा निकल सकता है बड़े आराम से, यानी इसकी टिप वगैरह भी आप निकाल कर इसको यूज कर सकते हो। और भाई सबसे आखिरी में हमारी एक शूज, ये देख रहे हो भाई दोनों पैरों के शूज दे रखे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये, और इससे तो भाई कोई इरेज भी नहीं करेगा, क्योंकि इसको ना कलेक्शन के लिए रख लेंगे कि ये तो एक बारहवीं कलेक्शन है, इसको क्या यूज करना। तो अगर आप लोगों को भी फैंसी इरेजर सेट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और आपको भी बहुत पसंद है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है बारबी फैंसी इरेजर सेट, ताकि ये पूरा का पूरा बारबी का सेट आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले ले भाई हमने अपने हाथ में यूनिकॉर्न का जंबो पेंसिल पाउच, जिसके अंदर आपकी बहुत सारा सामान आ सकता है, और इसकी भाई लुक वगैरह तो पूछे मत, ये देख रहे हो मतलब इतना तगड़ा इसके अंदर स्पेस है ना, और इसकी जो जिप की क्वालिटी है वो भी इतनी अच्छी है, खराब नहीं होगी, और वो भी भाई पूरा भी वायलेट कलर में यानी पर्पल में, ये देख रहे हो कितना मोटा इन्होंने फोम डाल रखा है, यानी कि इसके अंदर आपके भाई 12 स्केच कलर्स आ सकते हैं, पेंसिल आ सकती है, पेन आ सकते हैं, पैसे आ सकते हैं, डी आ सकता है, कंपास आ सकता है, एक एक चीज आ सकती है। साथ में यहां पर भी आगे भी आप जो देख रहे हो ना स्वीट बिलीव इन यूनिकॉर्न्स लिखा हुआ है, इसके अंदर भी आपको एक चेपी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर यहां पर भी आप अपने जो है छोटे मोटे पैसे रख सकते हो, ये देखो एकदम भाई पर्स की तरह इसके अंदर आपको स्पेस देखने के लिए मिलता है, मतलब वॉलेट की तरह। और ये तो कुछ भी नहीं, इसके अंदर भाई अगर आप देखोगे ना, एक तो इसका लुक बहुत प्यारा है, इसका कलर वगैरह सब कुछ प्यारा है, और जिसकी जो सबसे खास जो चीज लगेगी ना आपको भाई आप हैरान होने वाले हो कि ये जो है ना इसको ऐसे ट्विस्ट करोगे
और ऐसे घुमाओगे तो ये वाला जो छोटा सा पर्स है ये आपके हाथ में आ जाएगा। इसको अपनी मम्मी को भी आप दे सकते हो। और इसके ऊपर देख रहे हो एक हार्ट शेप में चैन बनी हुई है भाई, दिल बना हुआ है कितना प्यारा, जिसको ऐसे खोलो और इसको बटुआ बना सकते हो, पर्स बना सकते हो, यहाँ पर भी आप पैसे रख सकते हो इस फोम को निकाल के। और इसकी जिप वगैरह भी भाई खराब नहीं होती। और अगर वापस से आपको इसको एक ज्योमेट्री पाउच बनाना पर्स से तो इसको वापस से इस तरीके से अटैच कर दो, ये वापस से इस तरह चिपक जाता है। तो अगर आपको इस तरीके की भाई यूनिकॉर्न की जंबो ज्योमेट्री पाउच पसंद है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना ज्योमेट्री पाउच, ताकि ये वाला भाई ज्योमेट्री पाउच आपको जंबो वाला गिव अवे हो सके, जिसके अंदर आपके पैसे तो आएंगे बहुत सारे, प्लस में आपके सारा स्टेशनरी का सामान भी आ जाएगा। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये आ गया हमारे हाथ में हमारा एक कलर बैलेंस की तरफ से आने वाला होवरबोर्ड, जिसके अंदर यहाँ से 5D लाइट निकलती है, यहाँ से 5D लाइट निकलती है, और यहाँ से जब लाइट निकलती है तो भाई साहब ऐसा लगता है कि ना फर्श पे किसी ने इंद्रधनुष बना दिया हो। और यहाँ पर भी ना आपको देखो व्हील वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, तो 3-4 व्हील तो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। हमारे लगने वाले 3AA बैटरी, और अब सिर्फ एक ही काम रहेगा इसको ऑन करना। लेकिन उससे पहले बहुत देर से हमारा मिनियन बहुत वेट कर रहा है, और ये देखो कितना क्यूट लग रहा है। हमारा मिनियन हमारे होवर बोर्ड पे खड़ा होने वाला है। तो ये हो चुका है एकदम स्टैंड, और इसके अंदर ना भाई नेशनल एंथम टाइप के म्यूजिक बजते हैं, जो कि बाहर कंट्री के होते हैं। तो यहाँ से इसको ऑन करते हैं, और ये देखो भाई आप देख सकते हो इसकी जो लाइट है कितनी ज्यादा सॉलिड आने वाली है। तो आज मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। ये आ चुका है हमारा ब्रांड न्यू मिनियन, जो कि डांसिंग मिनियन है, और ये काफी ज्यादा क्यूट है। इसको देखो ऐसे भाई सेलिब्रिटी की तरह से हाथ ऊपर कर रखे, जैसे कि कोई बहुत बड़ा सिंगर या डांसर हो, ये अपने आप को एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझ रहा है। भाई जो इसकी लाइट्स है ना वो काफी बहुत ब्राइट है, बहुत तेज की निकल रही है। एक बार ना लाइट्स ऑफ करके देखो, ओ माई गॉड भाई ये देख रहे हो भाई, इसने इंद्रधनुष की तरह भाई पूरे कमरे को जगमगा दिया। 7 कलर की इसके अंदर से लाइटें निकल रही जो रेनबो में होती है। सो क्यूट यार, सो एलिगेंट लाइट, वाओ मिनियन वाओ, इसका डांस वाओ वाओ वाओ, मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा ये वाकई में। सो क्यूट यार, मतलब माइंड ब्लोइंग। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, इसके अंदर इतने कलरफुल तरीके से भाई लाइटें निकलती है, प्लस में जो मेंढक वाली जो भाई डीजे की आवाज है ना, टन 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 टन, तो भाई इसको जब आप ऑफ करते हैं तो इस वाले मिनियन के लिए एक चीज बोलनी पड़ेगी, जब ये हाथ खोल के खड़ा होता है तो ऐसा लगता है भाई कोई इसको गले लगाने वाला है। और यहाँ से जो ग्रीन कलर की लाइट निकल रही थी, ओए होए बहुत ही ज्यादा ऑसम, सही में मुझे उस वाली स्लाइम की याद दिला दी लाइट ने। और ऐसा लगता है भाई वाकई में भाई बरसात हो गई और कोई इंद्रधनुष आ गया, और म्यूजिक सुन के आपको मन कर जाएगा कि स्कूल के फ्रेंड को बुला के डांस करने लग जाओ। तो भाई ये भी सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और ये मिनियन तो वैसे ही बहुत क्यूट है और फनी तो है ही ये। और भाई ये जो है ना, ये इस वाले व्हील के ऊपर घूमता है 360 डिग्री करके, और ये स्टंट मार रहा था गोल गोल, और इसको पता लगता है टक्कर खाने वाला, तो इसके सेंसर इतने अच्छे हैं, ऑटोमेटिक ये पीछे की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से भाई ये और भी ज्यादा अच्छे से चल पाता है। और इसके नीचे भी व्हील दे रखे हैं इसकी सपोर्ट के लिए, ताकि भाई ये गिरे विरे ना, इसी वजह से ना ये आगे पीछे एक ही जगह पर गोल गोल घूम पा रहा था। और भाई जैसे ये बटन बंद करोगे तो ये एक तरफ से रुक भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और ये देख लो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल का भी है। अगर भाई आप लोगों को भी डांसिंग वाला मिनियन बहुत ज्यादा पसंद है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है डांसिंग मिनियन, ताकि आपको ये वाला डांसिंग मिनियन गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो अब बारी आने वाली है हमारे एक डायनासोर स्मोक गन की। ये हकीकत में भाई धुआं छोड़ता है असली वाला, बस आपको करना क्या, 2 गोलियां लोड करनी है कुछ इस तरह से, और इसके बाद इसको जैसी बंद करोगे तो आप जो है इसको चला पाओगे, और इसी साउंड से आपको पता चला कि इसके अंदर की जो लाल लाइट है वो कितनी तगड़ी और भाई जंगलों वाली आ जाती है, है ना एकदम जंगल वाली आवाज। आपको करना क्या है, इसके अंदर धुआं कैसे निकलेगा, तो आपको सबसे पहले तो इसको खोलना है, जिसके बाद इसी के बॉक्स में एक इस तरीके की बोतल देखने के लिए मिलती है, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी करना है, और जैसे आप इसके अंदर सारा पानी डाल दोगे, सारे से मतलब सिर्फ थोड़ा सा लेना, कहीं पूरा ही डाल दो तो बाहर आ जाएगा। अब होगा इसके अंदर जादू, क्योंकि यहाँ पर जो एक स्टील की प्लेट लगी हुई ना वो भाई भाप बना के निकालती है, और इसके मुंह में एक LED लाइट लगी हुई है। ये देखो यार कितना ज्यादा क्रेजी है भाई, एकदम असली का धुआं निकाल रहा है, तो इसका तो एक लाइव डेमो बनता है। तो आ जाओ मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। वाओ गाइस एकदम असली वाला डायनासोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है आग उगल रहा है भाई, ड्रैगन वाली आग निकल रही है, कतई गजब भाई ने बवाल हो गया भाई साहब, सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। यार ऐसा लग रहा है कि ये अपने मुंह से आग फेंक रहा है, सही में ये टोटली बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला डायनासोर निकला यार ये तो लाइट को करते हैं ऑन। यार ये सचमुच में एक जुरासिक पार्क वाला डायनासोर है, टुकुट 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 टुकुट। और सबसे अच्छी चीज की ये ना इसके पार्ट्स मूवेबल है, ये देख रहे हो, या आप इसके पंजे वगैरह हिला सकते हो बड़े आराम से, और ये एक आर्मर की तरह बना पड़ा, अगर थोड़ा बहुत कभी ढीला हो जाए तो यहाँ पर पेचकस दे रखे हैं, आराम से इसको पेच को कस सकते हो। और इसकी आईज वगैरह एकदम 3D बना रखी है, स्किन भी इसकी बहुत ही ज्यादा असली लगती है, सही में इसने एकदम पैसे वसूल करते हैं। अगर आपको इस तरीके के जंगल वाले टॉयज पसंद है असली वाले, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है स्मोक डायनासोर गन, ताकि ये वाली
स्मोक डायनासोर गन आपको गिव अवे हो सके, जो एक ही बटन के अंदर भाई बहुत सारी फायर से निकालती है। ऐसा लगता है कि फिल्मों में जैसे नहीं निकलता धुआं निकलता है और आग से निकलती है, सेम उसी तरीके से करके दिखा रहे हैं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले लिया भाई आज के हमने अपने दो बड़े बड़े एलईडी लाइट वाले गैजेट। तो भाई पहला जो गैजेट है ये एक यूएसबी मिनी वाला है, यानी कि आप इसको अपने फोन वगैरह में भी लगा सकते हो या किसी चार्जर में ला के अपनी दीवार में लगा दो, ये बहुत अच्छे से ग्लो करता है। मुझे पता भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसकी रोशनी कितनी होगी और ये चलेगा कैसे और ये चलता है तो भाई चार्जर से कैसे चलेगा, तो वो मैं अभी आपको लाइव दिखाने वाला। तो आ जाओ मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। ये आ चुका हमारा चमचमाता हुआ एलईडी बल्ब हमारा घर रोशन करने के लिए। ओ माय गॉड भाई पूरे कमरे के अंदर चांदना हो गया। और ये देखो यार कितना ज्यादा प्यारा लग रहा हमारा कैप्टन अमेरिका, अंधेरे में दिख भी नहीं रहा था लेकिन रोशनी करते इतना तगड़ा लग रहा है। ये एलईडी बल्ब वाकई में काफी ज्यादा तगड़ा है। ये बंद क्यों नहीं हुआ अहिला जादू? अरे हो गया क्या बात है, बाद में बंद होता है। ओ माइंड ब्लोइंग भाई इसके आगे हमने कैप्टन अमेरिका को रखा था और इसकी रोशनी भाई बोलना पड़ेगा कि रात में अगर आपको आदत है ना कि भाई बिल्कुल अंधेरा करके नहीं सो सकते, थोड़ी बहुत आपको रोशनी चाहिए लेकिन इतनी भी रोशनी नहीं चाहिए कि आपकी आईज खुल जाए, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा तगड़ी चीज है क्योंकि ना भाई इससे आपकी आईज नहीं खुलेगी और आपको नींद भी बहुत अच्छे से आएगी। तो भाई ये जो एकदम यूएसबी मिनी बल्ब है ना मेरे को काफी तगड़ा लगा। अगर आपको भी पसंद आया तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना यूएसबी मिनी बल्ब, ताकि ये छोटकू सा कुछ कुछ वाला बल्ब आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते इसकी जगह पे। और आप देखने वाले हम लोग भाई हमारी एक बड़ी वाली टॉर्च, अगर आपको भी सुसु करने में डर लगता है तो आप रात में इसको लेके जा सकते हो। इस तरीके से फिंगर में टांग के लेके जाना इस तरीके से हिलाते हुए, और जैसे आप घुमाओगे तो ये आपके हाथ में आ जाएगी। और ये देखो बूम इतनी तगड़ी इसकी टॉर्च है भाई, एक बार भाई लाइट ऑफ करके दिखाता हूं आपको, मजाक लग रहा होगा। तो ये देखो यार कितनी तगड़ी इसकी रोशनी है भाई, आप ना पता रात में कुछ भी देख सकते हो और ना ही कोई आपको भूत डरा सकता ना कोई आपको बच्चा डरा सकता। ये देखो ये हल्के तक देखो कैसे घूर रहा है मुझे। तो अभी जो भाई इस हल्के को भी देखने वाले हैं, इसके अंदर हमारी तीन छोटी छोटी बैटरी लगती है जो हमारी सेल के अंदर लगती है। भाई अब लाइट को करते हैं ऑन। तो अगर आपको भी इस तरीके की भाई मिनी टॉर्च बहुत ज्यादा पसंद है जो आप अपनी पॉकेट वगैरह में भी बड़े आराम से रख सकते हो पैंट की जेब में, तो आपको भाई लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना मिनी टॉर्च की चेन वाली, ताकि इसको आप छल्ला भी बना सकते हो अपनी चाबी का और ये आपको गिव अवे हो सके। अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले लिया हमने अपने हाथ में भाई हमारा एक आरसी हेलीकॉप्टर जो काफी तगड़ा होने वाला है। इसका मॉडल नंबर HX713 है और ये एक हेलीकॉप्टर है जिसके ऊपर आप देख सकते हो इसका हेलीकॉप्टर और प्लेन लिखा हुआ है। बट इसके अंदर जो सबसे तगड़ी जो चीज होने वाली है वो ये कि भाई इसके अंदर देख रहे हो मेटल की टिप लगी हुई है और जो ये वाली टिप है भाई इसके अंदर भी मेटल लगा रखा है दोनों साइड में, ताकि अगर ये किसी पेड़ से टकराए बिल्डिंग से टकराए तो ये गिर के टूटे ना। और इसी वजह से ये बहुत अच्छा चलने वाला है लेकिन इसकी स्पीड बहुत तगड़ी होने वाली है और ये यहां से भी मेटल का है और ये जो डंडी है इसकी ये भी मेटल की है। तो भाई काफी तगड़ा ये प्लेन होने वाला, मतलब आगे का प्लास्टिक का बाकी हर जगह से ये जो भाई मेटल का है। तो ये डाईकास्ट वाले जो एलॉय मॉडल होते हैं प्ले मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और भाई इसका जो कलर है ब्लैक एंड गोल्डन कलर का वो तो सोने पे सुहागा। और इसकी मोटर मुझे यहीं से दिख रही है, यानी कि ये बहुत तेज दौड़ने वाला। और यहाँ पर हमको मिलता है एक चार्जिंग स्लॉट और इसके बॉक्स में एक चार्जर देखने के लिए मिलता है जिसको हमें जो है इस तरीके से लगाना होता है। और उसके बाद जैसे आप इसको अपने किसी भी सॉकेट में लगा दोगे तो इसके अंदर लाल लाइट जलती है और जब वो ग्रीन हो जाए तो समझ लेना आपका हेलीकॉप्टर प्रॉपर चार्ज हो चुका है। तो इस आरसी हेलीकॉप्टर का अभी एक लाइव डेमो लेंगे, उससे पहले इसको ऑन करके देखते। तो देखो भाई इसके अंदर एक इस तरीके से ना नीले कलर की लाइट जल रही है, तो भाई जिसकी वजह से आपको पता क्या मदद मिलने वाली है कि जब भी अगर आप इसको रात में उड़ाओगे और अगर ये बहुत ज्यादा ऊंचा चला जाता है किसी पेड़ से टकराएगा या बिल्डिंग से टकराएगा तो ये खोएगा नहीं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि किसी कोने में लाइट जल रही है। जैसी लाइट जले तो समझ लेना ये आपका हेलीकॉप्टर है और उठा के अपने पास ले आना और दोबारा खेलना। अब भाई इसकी जो सबसे तगड़ी चीज है वो है इसका रिमोट कंट्रोल, क्योंकि उसके अंदर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं बल्कि टोटल 6 सेल लगने वाली है जिसकी वजह से इसको बहुत पावर मिलेगी तेजी से उड़ने की। तो भाई चलो इसके रिमोट कंट्रोल में सेल लगाते हैं। तो अब जो भाई इसके अंदर सारी बैटरी लगी और ये यहां से कर देते हैं ऑन। तो भाई ये हो चुका है ऑन और जैसे ये लाइट रुक जाए तो समझ लेना ये दोनों जो है ना आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। इसको हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाएंगे ताकि ये इसकी स्पीड बहुत तेज होती जाए कुछ इस तरह से भाई साहब यार ये ना भाई एक तो भाई मेरे बाल हिला रहा है बहुत तेज की और पता मेरी टी शर्ट हिल रही है वो अलग। तो एक काम करते हैं इसको ना बाहर लेके चलते हैं और देखने वाले कि कैसे उड़ता है। तो भाई आ जाओ मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। वाह यार ये कितना ज्यादा असली लग रहा है एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई असली हेलीकॉप्टर। ओ भाई साहब बाप रे बाप भाई इसको साउंड देखो यार तुमने कितनी तेजी गए फड़फड़ फड़फड़ करता हुआ। एक बार बिल्डिंग से ऊपर लेके चलते हैं इसे। ओ भाई रे ये तो एकदम चिड़िया लग रहा बिल्डिंग ऊपर भाई आसमान में एकदम परिंदा। ये जो है ना बहुत ही तगड़ी चीज है यार। और जो इसका रिमोट कंट्रोल है वो भाई इसको और सोने में सुहागा बनाता है। इसके अंदर 6 साल लगे थे इसी की वजह से इसको इतनी पावर मिली है। भाई इतना ऊंचा उड़ता चला गया कि मतलब इसने ना चिड़िया को भी पीछे छोड़ दिया, इतनी ऊपर चला गया बिल्डिंग भी इसने पार कर दी। और जब ये नीचे गिरा तो भाई आप देख सकते हो ये टूटा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये इधर से मेटल का है और इसकी जो टिप है ये मेटल की है। और इस तरीके के भाई आरसी हेलीकॉप्टर बहुत कम मिल पाते हैं मार्केट में, क्योंकि मेटल वाले भाई बहुत कम मिलते हैं क्योंकि लोगों को पता है ना कि मेटल जो है जल्दी से टूटेगा नहीं। और भाई
दो तीन बार झाड़ियों में भी अटका था, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ, ना ये गिरा ना ये टूटा। तो ये जो आरसी हेलीकॉप्टर है भाई, वाक्य में बोलना पड़ेगा स्वेलिंग एंड सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव निकला। अगर आपको भाई आरसी हेलीकॉप्टर, आरसी कार, आरसी डोरेमोन टाइप की चीजें पसंद है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना मेटल वाला आरसी हेलीकॉप्टर, ताकि ये वाला अलॉय मॉडल आपको गिव अवे हो सके, जो ब्लैक एंड गोल्डन कलर में आता है, जो काफी ज्यादा लग्जरी सा भी दिखता है। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। अब हम देखने वाले हमारा फ्लाइंग ड्रोन, यानी कि हमारा डोरेमोन फ्लाइंग वाला। लेकिन उससे पहले हम लोग देखने वाले हमारी एक माउजर वाली पुलिस की गन प्लस में एक पुलिस वाली हथकड़ी। तो अगर कभी भी आप झूठ बोलोगे, अपना होमवर्क नहीं करोगे, तो पुलिस ना आपको इस तरीके से भाई ये हैंडकफ पहना देगी, जिसको ये देखो लगाना कितना ही ज्यादा आसान है, और दूसरे वाले को वो अपने हाथ में बांध देगी ताकि आप कहीं पे भी भाग ना सको। और अगर आपको इसको खोलना है तो ये जो आप देख रहे हो ये इसी के अंदर चाबी है, इसको निकाल के यहाँ पर डालना और उसके बाद आप खोल सकते हो, नहीं तो मेरी तरह इस तरीके से पावर लगा के भी अगर आपके अंदर जाने तो खोल सकते हो। और ये देखो ये बन गया भाई फ्री। तो यानी कि इससे ना काफी सारी चीजें कर सकते हैं, और ये हथकड़ी वाकई में काफी ज्यादा कूल भी दिखती है। तो अगर आपको भी इस तरीके से भाई एकदम असली दिखने वाली हैंडकफ बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वाव लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है असली वाली हैंडकफ, ताकि ये वाली हैंडकफ आपको गिव अवे हो सके, बिल्कुल असली वाली हथकड़ी। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले लिया हमने अपने हाथ में हमारी गन, जो कि एक माउजर गन है, यहाँ से एक छर्रा वार निकलता है और ये जो है बिल्कुल एकदम असली की तरह लगती है, जिसका लुक वगैरह भी बहुत अच्छा आता है। और ये हाथ में पकड़ने में ना देखो कितनी ज्यादा क्लासी लगती है, और असली तो भाई उससे भी ज्यादा, जिसका निशाना वगैरह भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला। तो आपको करना क्या, इस तरीके से बटन दबाओगे तो इसकी जो है भाई मैगजीन बाहर आती है, जिसके अंदर आपको छर्रा डालना होता है कुछ इस तरीके से, जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं, और जैसे इसको आप लोड करोगे तो भाई इसको खींचना होता है मैं पीछे कुछ इस तरह, और उसके बाद शूट इतनी तगड़ी आवाज आई है ना, तो भाई आ जाओ एक लाइव डेमो पे। ये टॉय गन आ गई हमारे पास में भाई साहब, पुलिस वालों की तरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर लगेगी लेजर लाइट, ओ माय गॉड भाई साहब, ये देख रहे हो यार क्या साउंड था। ओ अब ये मैगजीन निकालेंगे, अब ये देखो यहाँ पर बुलेट भरी जाती है सारी की सारी, जो हमने यहाँ पर कंचे भर दिए हैं इसके अंदर प्लास्टिक वाले, और ये देखो ओहो क्या आवाज थी लोड करने, ओ माय गॉड भाई क्या निशाना है यार, ये काफी ज्यादा कूल है, मतलब कि धाए 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 भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी लगी। अगर आपको भी इस तरीके से भाई पुलिस वाले टॉयज अच्छे लगते हैं, पुलिस वाली गाड़ी अच्छी लगती है, पुलिस वाली हथकड़ी अच्छी लगती है, और पुलिस की माउजर वाली गन अच्छी लगती है, जिसको आप अपने कमर के पास इस तरीके से रख सकते हैं या पॉकेट में भी रख सकते हैं, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना असली वाली पुलिस की गन, ताकि ये वाली पुलिस वाली गन आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये ले लिया भाई हमने अपना एक फ्लाइंग वाला डोरेमोन, जिसको हम भाई डोरेमोन ड्रोन बोलते हैं, जिसके ऊपर आपको सुजुका से लेकर नोबिता, जियान, सुनियो सारे के सारे कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। और सबसे अच्छी चीज के भाई पहले तो ये देख रहे हो, इसको इस तरीके से पकड़ के नहीं उड़ाना है, इसको इस तरीके से पकड़ के उड़ाना है। मेरे को पता आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, वो मैं अभी आपको लाइव दिखा के समझा दूंगा। इसके अंदर जो है ना भाई आपको देखने के लिए मिलती है एलईडी लाइट, जिससे क्या हुआ कि रात में अगर आप इसके साथ खेलोगे तो ये कहीं भी खोने वाला नहीं है, ये वापस से आपके पास ही आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर लाइट जलती रहती है। और ये भी मेटल का, इसके अंदर मेटल की डंडी है, तो यानी कि ये भी अगर किसी पेड़ से टकराता है या बिल्डिंग से टकराता है तो ये टूटने वाला नहीं है। इसके साथ एक रिमोट कंट्रोल तक मिल रहा भाई, कि रिमोट दबाया और ये अपने आप हाथ से ऊपर, ये देखो ये इसका सही तरीका है उड़ाने का। और ये आ गया हमारा डोरेमोन, और इसी के बॉक्स में हमें देखने के लिए मिलती है एक चार्जिंग केबल और एक रिमोट कंट्रोल छुटकू सा, जिसके ऊपर ऑन ऑफ भी लिखा हुआ है। और भाई वो जो चार्जिंग केबल है वो आपको लगानी होती है यहाँ पर, जैसे आप अपनी नॉर्मली फोन पे लगाते हो, और उसके बाद जब पूरा चार्ज हो जाता है तो इसकी लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, और उसके बाद जब आपको इसको चालू करना हो तो जैसे आप इसको ऑन करोगे तो ये देखो इसके अंदर नीली लाइट जल रही है ना भाई, तुम तो डरा दिया अचानक से झटके से चालू हो गए, तो इसको जैसे छोड़ेंगे ना तो ऊपर की तरफ भागता है। अभी के लिए मैंने इसको बंद कर दिया, तो मेरे साथ ना लाइव और लाइव इसके अच्छे वाले मजे लेंगे, सस्ते मजे क्या लेने, आ जाओ मेरे साथ लाइव भाई साहब। ये देखो रिमोट कंट्रोल वाला हमारा हेलीकॉप्टर वाला डोरेमोन, तो भाई साहब ये आरसी डोरेमोन जो बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से फ्लाई कर रहा है भाई, ये देखो जो मेरे इशारे से चलाता है, जस्ट आपको जो है जेस्चर करना है, यानी आप रिमोट से भी चला सकते हो और इस तरीके से हाथ से भी चला सकते हो। लेकिन सच बताऊं भाई, ये देखो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया इसको चला करके, ये देखो सच में यार ये देखना कितना मजेदार लग रहा है ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि कोई बेल उड़ रही है, ओ माय गॉड भाई यार इसने ना सही पूछ रहे भाई साहब, मतलब कि हैरान कर दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा निकला, मतलब डोरेमोन भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, ए डोरेमोन भाई, ये वाला डोरेमोन काफी ज्यादा अच्छा भाई। इसके नीचे ना एक इंफ्रारेड सेंसर दे रखा है, और इस लाइट को क्या पता चलता है कि जैसे अगर कोई सरफेस आ रहा है तो इसको पता लग जाता है भाई कुछ टकराने वाला, तो ये ऑटोमेटिक ना वापस से अपने आप को ऊपर उठाने लग जाता है। और यार ऐसा लग रहा है कोई एलियन वाली बॉल उड़ रही हो, कोई ब्लू कलर की वो यूएसओ बॉल होती है ना, सेम ऐसा लग रहा है कि वो वाली बॉल उड़ रही है अंधेरे के अंदर भाई, ये इसने मेरा दिन बना दिया। अगर आप लोग कोई भाई ये डोरेमोन फ्लाइंग वाला बहुत ज्यादा पसंद आया, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है फ्लाइंग डोरेमोन, ताकि ये वाला डोरेमोन आपको गिव अवे हो सके। तो अब इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले लिया हमने अपने आज की दो स्लाइम, और भाई जल्दी बताओ कौन सी देखनी है, कौन सी देखनी है, कौन सी देखनी है, चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम छोटी वाली देखने वाले, जिसको बोलते हैं बैरल ओ स्लाइम, यानी कि ये एक इस तरीके से भाई ड्रम के अंदर आती है, जिसकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये बहुत चिपचिपी है
भाई ये देख रहे हो कितनी किलकिली सी है यार भाई, मतलब ये स्लाइम मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और ये क्या है, इसने मेरे हाथ गंदे कर दिए भाई। इस ड्रम वाली स्लाइम ने तो मेरी मोए 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 करके रख दी। यार ये सही में भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर आपको पसंद आई तो अपने नाम क्या है वो लिख देना, और क्या आपको लिखना है ड्रम वाली स्लाइम, ताकि ये वाली स्लाइम आपको गिलगिली सी गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और अब हम देखने वाले हमारी एक भाई साहब बहुत बड़ी वाली स्लाइम, जिसके अंदर चमकीली भी बहुत सारी देखने के लिए मिलती है। क्योंकि इसके अंदर अगर आप ग्लिटर देखोगे तो ये देखो कितनी सारी। और प्लस में इसको खेलने के बाद ना वापस से इसी वाली बोतल के अंदर रख सकते हैं, बोतल वाली है, जो बोतल आपके पॉकेट में भी बड़े आराम से आ सकती है जींस की। और ये है भाई एक फ्रूट फ्लेवर वाली, और ये कौन सा फ्रूट है, कीवी। क्या बात है यार। और इसकी भाई फटाफट से देखते हैं कि स्मेल कैसी है कीवी की। माइंड ब्लोइंग भाई, कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है जेली की तरह। और ये तो यार वाकई में बहुत अच्छी है, यानी कि अगर ये शर्ट पे गिरती है या हमारे हाथ पे गिर जाए या हमारे अगर किसी कॉपी पे गिरती है तो ये नहीं चिपकने वाली, क्योंकि इसके अंदर भाई इन लोगों ने ना गोंद नहीं डाल रखा, जो काफी ज्यादा मुझे पसंद आया। और प्लस में कीवी की भाई इन्होंने भर भर के ना स्मेल डाल रखी है, यानी कि फ्रेग्रेंस जो होती है इतनी तगड़ी खुशबू मार रही है, जेली की तरह लग रहा है यार। लेकिन खा मत जाना, कहीं कीवी फ्लेवर समझ के खा जाओ भाई। खेलने के बाद ना वापस से इसी के अंदर रख सकते हो। और इस स्लाइम के अंदर वो चमकीली तो इतनी सारी मिल रही, और ये भाई देखने में भी बोतल बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई अवार्ड है इसको वैसे पकड़ के इस तरीके से किसी को दे दो। तो अगर आपको भी ये वाला अवार्ड चाहिए तो आपको लिखना अपना नाम, उसका ये वाव लिख देना, उसका ये आपको लिखना है कीवी फ्लेवर वाली स्लाइम, ताकि ये वाली बोतल में आपको इस तरीके से पकड़ा के गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये आ गया भाई हमारे हाथ में एक मेटल का योयो। मेटल की डाईकास्ट कार बाद में देखेंगे, लेकिन पहले एक मेटल का योयो तो देख लें, जिसकी आवाज बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। और भाई इसकी जो आप रोप देख रहे हो, इसको अपनी फिंगर में इस तरीके से लगाते हैं, नीचे की तरफ फेंकते हैं और बाद में ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो ये योयो भाई इस तरीके से खुलता हुआ नीचे जाता है और इस तरीके से बनता हुआ ऊपर की तरफ आता है। और भाई इसकी जो शाइन है, उसकी चमक देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई गोल्डन का स्पिनर नहीं, बल्कि ये गोल्ड से बना हुआ है, यानी कि सोने का बना हुआ है, जिसके अंदर आपको अपनी फेस भी दिख सकता है, शक्ल दिख सकती है। तो भाई अगर आपको इस तरीके से मेटल वाले योयो पसंद है और गोल्डन कलर का योयो पसंद है, तो अपने नाम क्या है वो लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है गोल्डन कलर का चमचमाता हुआ योयो, ताकि ये वाला योयो आपको गिव अवे हो सके। और इसके बाद भाई दो चीजें जो हल्क से मेल खा रही है। तो सबसे पहले भाई ये हमारी एक कार के स्टेयरिंग व्हील की तरह ज़ूम पीप पीप वाली एक वाटर गेम, और इसको गेम मशीन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर दो हमें डंडियां मिलते हैं, तो 5 सेकंड चैलेंज होता है शुरू। 1 2 3 एंड गो। 1 2 3 4 5। तो भाई 5 सेकंड के अंदर अंदर मात्र सिर्फ एक ही छल्ला आया भाई बैंड बज गई, मोए मोए हो गई। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इसके अंदर दो छल्ले भर सकते हो, लेकिन टाइम 5 सेकंड का ही मिलेगा, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है कार वाली वाटर गेम चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि ये वाला आपको जो है गिव अवे हो सके। और 5 सेकंड के अंदर ही आपको दो छल्ले डालने, कहीं ज्यादा ले लो। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और ये भाई हमारा एक कीचेन वाली इरेजर, ये देखो ये भाई एक रबड़ की हमारी हल्क है, इसको इस तरीके से आप मिटा सकते हो अगर आपसे कोई गलती हो जाए। और ये एक्चुअल में है एक हल्क स्मैश, इसको गुस्सा बहुत जल्दी आते हैं। दांत तो देखो कैसे बना रखे इसने अपने, एकदम क्यूट लग रहा है कुछ कुछ। तो अगर आपको भाई इस तरीके की इरेजर वाले किचन पसंद है, जिसको आप अपनी बैग के स्कूल की चाबी का छल्ला डाल के इस तरीके से हिला सकते हो, और इसको पकड़ के इस तरीके से अपने स्कूल का बैग भी खोल सकते हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिखना, और उसके आगे आपको लिखना है हल्क वाली इरेजर किचन, ताकि ये इरेजर किचन हल्क की आपको गिव अवे हो सके। तो इसके बाद देखने वाले हम अपनी भाई डाईकास्ट का कलेक्शन। तो सबसे पहले भाई हम अब 3 देखने वाले, क्योंकि एक हाथ पे 6 आती है तो गिर जाती है। ये एक एमयूवी व्हीकल है जो भाई हॉट व्हील्स की तरह से आता है, जिसके अंदर अलॉय व्हील आपको चमचमाते हुए देखने के लिए मिलने वाले, इसके अंदर ग्लास बहुत तगड़ा है। और ये एक बहुत अच्छी तगड़ी गाड़ी है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं भाई, जंगल वगैरह सफारी कर सकते हो इस गाड़ी से आप, इतनी तगड़ी है। और ये भी डाईकास्ट की है प्रॉपर, जैसे कि ये भी पूरी भाई डाईकास्ट की बनी हुई है, यानी कि पूरी मेटल की बनी हुई है, इसकी ग्लास वगैरह बहुत अच्छे दे रखे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई सीटिंग वगैरह का भी अरेंजमेंट बहुत प्यारा है। और ये 18 मॉडल है जो कि हॉट व्हील्स की तरफ से आता है, और ये भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि रेसिंग कार है, जिसका भाई कलर ही भाई रेड येलो ब्लैक कलर का। और ये जो तीसरी है ये मेरे को बहुत फेवरेट लगती है, क्योंकि इसके जो टायर है ना बिल्कुल नीचे की तरफ छुपा रखे हॉट व्हील्स वालों ने, जो पता ही नहीं चलता। और इसी की वजह से ऐसा लगता है कि ये एक असली की पनडुब्बी है जो भाई पानी के अंदर चलती है सबमरीन। और ये यहाँ से आप देखोगे ना कांच, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई शिप के भी कांच एक्चुअल में इसी तरीके से होते हैं, जो पानी वाला जाल था ज़ूम पीप पीप। और ये सबमरीन वाला इसके ऊपर डिटेलिंग वगैरह दे रखी है, वो तो सोने पे सुहागा। तो ये भी एक मेटल की डाईकास्ट वाली ही गाड़ी है जो काफी ज्यादा सॉलिड है। और अभी 3 गाड़ी और बाकी है। सबसे पहले भाई ये एक जंगल में जाने वाली गाड़ी, ये एक जिप्सी है जो आर्मी वाले चलाते हैं, और भाई ये डायनासोर वाली है, क्योंकि डायनासोर स्मोक गन जो है हम जंगल में से लेके आए थे, तो ये आप देख सकते हो डायनासोर छपा हुआ है। तो जुरासिक पार्क देखने के लिए कौन कौन चलने वाला हमारे साथ, तो भाई इसके ऊपर आपको बहुत तगड़ी डिटेलिंग वगैरह भी देखने के लिए मिल रही है। और ये पूरी की पूरी मेटल की यानी कि डाईकास्ट की बनी हुई है। साथ ही में हमारे को एक इस तरीके की गाड़ी मिलती है, जिसका ना आप ये भी हटा सकते हो बड़े आराम से, लेकिन हटाना मत, क्योंकि ये जीना तब हटाते हैं जब भाई किसी को बचाना में जहां पर आग लग जाए। और सबसे अच्छी चीज की इसके अंदर 4 पहिए नहीं है बल्कि टोटल 6 व्हील मिलते हैं। और ये गाड़ी भी बड़ी है यार, देखो ये आपके जो है ना पूरी फिंगर पे आ जाएगी, क्योंकि डाईकास्ट है ना मेटल की बनी हुई, तो इसको बड़ा बना रखा है क्योंकि इसके अंदर 6 पहिए लग गए ना इसलिए। और जो भाई दूसरी के बाद तीसरी
गाड़ी है ये भी एक इसी तरीके से फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी है, लेकिन इसको सिर्फ चलाने का जो हक मिला भाई वो मिला मिलिट्री वालों को, यानी कि आर्मी वाले इसको चला सकते हैं, जिसके अंदर आपको 6 टायर देखने के लिए मिलते हैं, वो भी बहुत सुंदर और नए एकदम टायर। इसको भाई जीने को खोलो और जाके फटाफट से उन लोगों को बचा लो जो लोग फायर रेस्क्यू में रह गए थे। और ये यहाँ पर आपको कांच वगैरह देखने के लिए मिलता है, पूरी गाड़ी डाईकास्ट की है जिसको मेटल बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को ये 6 की 6 भाई डाईकास्ट गाड़ियां पसंद आई हो जो कि भाई पूरी की पूरी मेटल की बनी हुई है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है 6 डाईकास्ट कार का सेट, ताकि ये पूरी की पूरी 6 मेटल की कार आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो अब सबसे आखिरी में आने वाले भाई बैटमैन की हमारी दो चीजें, एक तो भाई ट्रांसफॉर्मर वाली वॉच, ये 2-in-1 है, यानी कि इसके अंदर प्रोजेक्टर वाली लाइट्स मिलने वाले, जिसके अंदर आप भाई पूरी आधे घंटे की बैटमैन की मूवी देख सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको दिखा रखा है इन्होंने कि इसके अंदर टोटल 21 फोटो निकलने वाले, और इसको भाई रोबोट वाली वॉच भी बना सकते हो आप। साथ ही में एक आता भाई बैटमैन की तरफ से आने वाला फ्रूट फ्लेवर वाला एक टूथपेस्ट, जिसके अंदर आपको बबल फ्रूट फ्लेवर मिलने वाला, और ये ना भाई नाइट में ग्लो भी करता है। तो आ जाओ मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। पता है इसका ना टूथपेस्ट ग्लो नहीं करता, ये खुद ग्लो करता है, इसको पहले लाइट देनी पड़ती है टॉर्च की, उसके बाद ये जगमगाने लगता है। वाओ कितना सुंदर लग रहा है यार, क्या कहा था मैंने ये इतना बढ़िया है ना भाई, क्या ही बताऊं। ये जो इसके छाती के पास जो बना हुआ ना बैटमैन का लोगो, ये भाई अंधेरे में ना जगमगाता है, और जितना ज्यादा अंधेरा होगा ना उतना ज्यादा जगमगाता है। और ये पता है कैसे जगमगा रहा है, क्योंकि इसके अंदर नियॉन पार्टिकल्स मिले हुए, अगर आप इसको सूरज के आगे रख दोगे धूप में तो सारी की सारी एनर्जी अपने अंदर सोख लेता है, उसके बाद जैसे आप अंधेरा करोगे तो ये दिखने लगता है। और ये जो बबल फ्रूट है ये एक फ्लेवर है, तो ये देखो इस तरीके से ये दिखने वाला, और इसकी स्मेल भी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जो इसकी फ्रेग्रेंस है खुशबू बहुत तगड़ी है। तो अगर आपको भी ये पसंद है तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है कि बैटमैन वाला टूथपेस्ट, ताकि ये वाला टूथपेस्ट आपको गिव अवे हो सके। और लेकिन ये है उनके लिए जो 6 वर्षीय से ऊपर के बालक है, कहीं कम उम्र के बालकों को दे दो, तो इनको रखते हैं इनकी जगह पे। ये ओपन हो गया बैटमैन, तो अब आ जाओ इसके एक लाइव डेमो पे। तो अब हम लोग देखने वाले एक फाइट सीन इतने बढ़िया बढ़िया इसके अंदर ना टोटल 21 फोटो मिलती है पता है, और बहुत ही तगड़ी आपको बैटमैन और जोकर मूवी की पूरी याद आ जाएगी, सब मैं दिखा दूंगा, तो फिर आप क्या देखोगे ओ माइंड ब्लोइंग यार इतना तगड़ी तगड़ी फोटो आई थी भाई, ऐसा लग रहा है कि भाई बैटमैन की हमने कुछ पूरी की पूरी मूवी देख ली हो। सच में यार मतलब कि कमाल की चीज है। और भाई ये यहाँ पर जो बैटमैन का लोगो है ना, अगर आप इसको खोलोगे इस तरीके से खुलता है, और यहाँ पर आपको टाइम वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, और ये जो दो छोटे छोटे बटन दे रखे हैं इससे आप टाइम भी सेट कर सकते हो। और ये जो फ्लिप फ्लॉप वाली वॉच है काफी ज्यादा अच्छी है, ब्लैक एंड येलो कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत तगड़ा आ रहा है, और ये असली वाले ट्रांसफॉर्मर की डिटेल दे रखी है। यहाँ से प्रोजेक्टर लाइट निकल रही थी, इसके हाथ को अंदर कर देते हैं तो ये घड़ी बन जाती है, इसके हाथ को भाई फोल्ड कर दोगे वापस से पहले की तरह, तो ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर वाला एक रोबोट बन जाता है। तो अगर आप लोगों को भाई ट्रांसफॉर्मर वाली वॉच पसंद है, जिसको हम बोलते हैं 2-in-1 वॉच, यानी कि बैटमैन की रोबोट वॉच, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना बैटमैन की रोबोट वॉच, ताकि ये वाली 2-in-1 वॉच आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और अब बारी आती है भाई उन 15 लोगों को शाउट आउट देने की। तो ये है वो 15 नाम, जय, तान्या पाटिल, आइल, प्रिंस, निरुला, अक्षाउ, सोव्यान, मनाहिल, सृजन, अंश, जिग्नेश भाई पटेल, तोमोजीत, विद्यांता, वफा फ्रॉम पाकिस्तान, तलहा, भवेश जैन, रुद्र द्विवेदी और निराला। तो आज इन 15 में से किन्हीं एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि 3 लोगों को मिलने वाली है 2-in-1 वाली डायनासोर बबल गन, जिसके अंदर भाई कॉइन रख के आप कॉइन मार सकते हो, यहाँ से लेजर लाइट निकलते हैं और इधर से बबल निकलते हैं, सो अलग, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसके अंदर एलईडी लाइट जलेगी, म्यूजिक जलेगा, हर एक चीज होने वाली है, मतलब पूरा का पूरा जो है ना ये अपने आप में एक चलता फिरता भाई डायनासोर का घर है। तो जिन भी 3 लोगों को मिलने वाले उनकी वाक्य में काफी ज्यादा बल्ले बल्ले होने वाली है। और साथ ही अगर आप लोगों को भी इनमें से कुछ पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना वो आइटम जो आपको पसंद आया, ताकि वो जो आपको गिव अवे हो सके। और अगर आपको पूरा का पूरा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ टॉयज पसंद आया तो कर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इसको अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर, और अगर इस पर भी 600 ज्यादा लाइक, 600 ज्यादा शेयर, 600 ज्यादा कमेंट होते हैं, तो भाई ये सारा का सारा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ टॉयज का पूरा का पूरा गिव अवे, वो भी पुलिस वाली कार से लेकर बैटमैन की रोबोट वॉच था। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बाजू में दिखे बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।